इस चैप्टर में एक्सरसाइज नंबर 1.3 से पहले कुछ थ्योरम से उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। थ्योरम 1.3 क्या बोलता है कि अगर इफ ए डिवाइड्स 3 स्क्वायर देन ऑटोमेटिकली ए विल डिवाइड पी, ठीक है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, आगे एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। अगला थ्योरम क्या है, थ्योरम 1.4 क्या बोलता है, रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको याद करना है। थ्योरम का मतलब वो है जो हम लोग अपने हिसाब से उसको उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, थ्योरम थ्योरम होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आगे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूफ दैट नहीं है, आपको बताना है कि एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें ये देखिए, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये रैशनल नंबर होता तो क्या होता, सपोज लेट 5 - √3 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो रैशनल नंबर के हिसाब से हम लोग चलो इसको करते हैं, तो क्या होगा, हम लोग √3 को क्या लिख सकते हैं, 5 - a/b लिख सकते हैं, ये भी रैशनल नंबर है 5/1, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर, रैशनल नंबर माना है ना इसको, अगर ये रैशनल नंबर तो है, ये भी अगर रैशनल नंबर होगा तो √3 क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। लेकिन थ्योरम क्या बोलता है, रूट वाला चीज क्या होगा, हमेशा इरेशनल नंबर होगा, तो इसलिए हम लोग इसको रैशनल नंबर नहीं मान सकते। दैट इज वाई √3 के साथ ये जो नंबर है, सो दैट, तो इसको पहले कंप्यूट कर लेते हैं, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द थ्योरम ठीक है। तो इसको गलत साबित कर रहा है ना, ये तो रैशनल नंबर नहीं हो सकता, अगर इसको रैशनल नंबर मानेंगे तो 3 को भी रैशनल नंबर मानना पड़ेगा। दैट इज वाई ये जो है रैशनल नंबर नहीं है, ये जो है रैशनल नंबर नहीं है। सो 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, और बेस्ड ऑन दिस ऑल दिस विल बी सॉल्व्ड, ठीक है। अगला एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, लास्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं, लास्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर 1.4 में कुछ थ्योरम है, दो मेन थ्योरम है, जो है थ्योरम नंबर 6 है, 1.6 है, वो नंबर थ्योरम नंबर 1.5 के लगभग एक ही एक जैसे ही है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो 1.5 क्या बोलता है, थ्योरम 1.5 क्या बोलता है कि जो भी रैशनल नंबर होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल p/q के फॉर्म में होगा, ठीक है, और जिसमें q है वो किस फॉर्म में होगा, q जो है किस फॉर्म में होगा, 2 के पावर में m एंड 5 के पावर में n, जिसमें m एंड n क्या है, वेयर m एंड n is non-negative integers, ठीक है। तो ये बोला गया है थ्योरम नंबर 1.5 में कि जो भी रैशनल नंबर होगा p/q के फॉर्म में होगा, जिसमें q जो डिनोमिनेटर वो किस फॉर्म में होगा, 2 के पावर में n into 5 के पावर में n। चलो इसको एग्जांपल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं, चलो बुक का ही लेते हैं, 3/8, इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 के पावर में 3 ऐसे लिख सकते हैं,
आप थ्योरम क्या बोला गया है कि जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में होगा, 2 × 5, दोनों के फॉर्म में कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है, और दोनों ज्यादातर केस में इक्वल होना चाहिए, एम एंड एन आर इक्वल, तो इसमें इक्वल तो 5 ऐड करेंगे, है ना, ऊपर भी ऐड करेंगे, जितना इधर उतना इधर रैशनलाइज कर दिए, है ना, तो क्या हो जाएगा ये 3 × 125 / 8 × 125 या फिर 10^3, ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट, सो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6 and 7, 3 × 1 = 3 / 10^3, ऐसा लिख सकते हैं, तो ये रैशनलाइज होके ये बन गया, राइट, तो 375 / 10^3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग 3/8 को ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, 0.375, दिस कैन रिटन लाइक दिस, है ना, तो ये बोला गया है कि जो भी डिनोमिनेटर होगा इस किस फॉर्म में होगा, 2 × m × 5 / n, तो ये दोनों ही इक्वल है, ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थर्टीन बाय 125, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखिए जरा, 13/125 को क्या लिख सकते हैं, 5 / 3, बट अकॉर्डिंग टू थ्योरम इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, 2/3, इसमें भी 2/3, ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 13 × 8 क्या हो जाएगा, 10^3, 13 × 8 का कितना होता है, मल्टीप्लाई कीजिए, 104, ठीक है, इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 13/125 को ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, 0.104, ये लिख सकते हैं हम लोग, तो इस तरीके से हम लोग बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जिसमें जिसमें दिख रहा है इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, बिना देखे ही बता सकते हैं कौन सा टर्मिनेटिंग है, अच्छा हाँ, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बता दूं, जो अगला थ्योरम है वो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बताया गया है, ठीक है, तो थ्योरम नंबर 1.7 को देख लेते हैं, 1.7 में क्या बोला गया है कि जो भी रैशनल नंबर होगा जिसे पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखा होगा, जरूरी नहीं है कि वो टर्मिनेट हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, लाइक थ्योरम 1.7 क्या बोला है, जो p by q है ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे 0.375 वाला वो क्या था, टर्मिनेटिंग था, 0.375 के बाद उसके बाद पूरा 0000 हो गया, तो उसके बाद वो तो रिपीट हुआ नहीं, इसमें क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लाइक 1/7 एग्जांपल, 1/7 इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1/7 क्या होगा, 0. है ना, 10 हो जाएगा, तो ये 7 3, फिर 0.0 फिर लेना पड़ेगा 4 30 28 2, फिर ऐसे करके ये जो है बढ़ता जाएगा, और क्या आ जाएगा, इसमें जो कोशेंट है वो बढ़ते चला जाएगा लेकिन खत्म नहीं होगा, ठीक है, तो इस तरीके से जो थ्योरम नंबर 1.7 है वो क्या बोल रहा है कि जो पी वाई क्यू में जो रैशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग भी होगा, सॉरी टर्मिनेटिंग तो पहले वाला था, ये वाले केस में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो थ्योरम नंबर 1.5 से लेकर 1.7 तक क्या समझ आता है कि जो रैशनल नंबर है जो पी वाई क्यू के फॉर्म में है वो टर्मिनेट भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेट भी हो सकता है, ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है रियल नंबर का खत्म होता है।